आलम जुबान पर आपको खुश आमदीद और इंग्लिश टू उर्दू वोकैबुलरी सेक्शन में लफ्ज है ईगो, ई जी ओ, ईगो। वैसे ये लफ्ज तो बहुत छोटा सा है ईगो, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ईगो का लफ्जी मतलब है अना, खुद पसंदी। जब किसी का रवैया या हरकत ऐसी हो जिसमें उसकी अकड़ या गुरूर आप कह लें नुमाया हो तो उसे कहते हैं ईगो। लफ्ज छोटा है लेकिन बात बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे हम कहते हैं डोंट मेक इट योर ईगो प्रॉब्लम, देयर इज नो हार्म इन सेइंग सॉरी टू हिम। इसको अपनी अना का मसला ना बनाओ, उसको सॉरी कहने में या उसे माजत करने में कोई बुराई नहीं, नो हार्म, कोई बुराई नहीं। मोस्ट ऑफ पीपल हु केयर टू मच फॉर देयर ईगो रिमेन लोनली। ज्यादातर लोग जो अपनी अना को बहुत ज्यादा संभालने की कोशिश करते हैं या अपनी अना का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की कोशिश करते हैं वो ज्यादातर तन्हा ही रहते हैं, लोनली, तन्हा। मेंटेनिंग योर ईगो इज गुड बट डोंट गेट टू रिजिड इन सम मैटर्स। अपनी अना को कायम रखना अच्छी बात है लेकिन कुछ मामलात के अंदर बहुत ज्यादा सख्ती भी अच्छी नहीं। रिजिड सख्त, यानी कि किसी भी मामले के अंदर कोई बंदा सख्त हो जाए तो उसको कहते हैं रिजिड। तो आज का वर्ड था ईगो, जिसका मतलब है अना, खुद पसंदी या गुरूर। उम्मीद है कि आपको ये लफ्ज समझ आ गया होगा। इसको अपने जुमलों में भी अगर आप इस्तेमाल कर लें तो आपको ये वर्ड याद रखने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। गुड लक टू यू।